नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आज दोस्तों हम लोग प्लांट एनिमल क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जंतु जगत वर्गीकरण को आगे बढ़ाना है हमें। इसमें हम बात करेंगे आपके जितने भी अलग अलग संघ है उनके बारे में। जो मैंने कल आपको बताया है वो था पोरीफेरा और सोलेनट्रेटा। पोरीफेरा संघ क्या होता है दोस्तों, अगर आप जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, जिसके शरीर में बहुत सारे होल्स होते हैं। उन छिद्रों को हम ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं, पहली बात आपको ये याद रखनी है। और इनके पास बहुत सारे होल है, इस वजह से इसे हम पोरीफेरा संघ के अंतर्गत डाल देते हैं। ये प्रायः झील और समुद्रों में पत्थरों से चिपके हुए मिलते हैं दोस्तों, कल मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। और इनके बॉडी में जो छेद पाए जाते हैं उसे ऑस्ट्रिया कहते हैं, और मुख पे जो मुख गुहा पे यानी कि जो उसका हेड वाला पोर्शन है वहां पे जो छेद पाया जाएगा उसे ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। ये आपको झील और तालाबों में के किनारे जो है वो मिलेंगे। इनमें एक बहुत बड़ी खासियत जो है ये भी पाई जाती है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं, फिर भी इनके शरीर में ऑर्गन नहीं बनता है। कल मैंने आपको बताया था इनके पास कैनाल सिस्टम भी होता है। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है, नलिका प्रणाली। नलिका प्रणाली का मतलब हुआ एक छेद से पानी एंट्री किया, दूसरे छेद से बाहर निकल गया। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला इत्यादि। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था यदि आपको पूछा जाता है कि जापान में हम क्या गिफ्ट के तौर पे देते हैं, तो हम जापान में यूप्लेक्टेला एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस की फूलों की डलिया के नाम से भी जानते हैं, यही जापान में एज अ गिफ्ट दिया जाता है। स्पॉन्जिला जो है दोस्तों ये आपको तालाबों के किनारे में मिल जाता है। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं सोलेनट्रेटा संघ में दोस्तों। सोलेनट्रेटा में भी मैंने आपको बताया था कि इनका शरीर दो स्तर से मिलकर के बना होता है, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें आपको याद रखना है इनके बॉडी पे आपको जो दो स्तर मिलेंगे एक्टोडर्म और इंडोडर्म। इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, उनमें दंश कोशिका मौजूद होती है। इनके पास स्पर्शक लगे होते हैं जिसमें दंश कोशिका पाई जाती है। शरीर में केवल एक गुहा होती है जिस वजह से सोलेनट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। दे हैव वन बॉडी कैविटी सो दे आर कॉल्ड सोलेनट्रेट्स। इनके शरीर में सिर्फ एक बॉडी कैविटी होती है, इस वजह से हम इसको सोलेनट्रेट के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों याद रखेंगे इसके एग्जाम्पल में आपको आ जाना चाहिए हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन। ठीक है, अगर आप इन लोगों की फोटोज देखेंगे तो आपको वो किस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये रहा आपका सी एनिमोन, कुछ ऐसा नजर आता है। जेलीफिश आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, हाइड्रा कुछ इस तरीके से, और कोरल रीफ कुछ इस तरीके से। ये सारे आपके सोलेनट्रेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। सोलेनट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया भी होता है। अब दोस्तों आज हम लोग इसका एक जो मैंने आपको नेमाटोसिस्ट वाली बात बताई थी उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे दोस्तों, ये सोलेनट्रेटा संघ का एक जंतु है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सी एनिमोन है, हाइड्रा है। तो हाइड्रा और सी एनिमोन में जो दंश कोशिकाएं होती है वो कैसे काम करती है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला पार्ट जो बिल्कुल ही एक मिनट, जो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे रस्सी जैसा मौजूद है, इसको जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इस भाग की हम बात कर रहे हैं। इस भाग को हम लोग यही जो है ना क्या करता है, आपका दंश कोशिका को एक्टिव करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ से दोस्तों अंदर पहले ये अपने अंदर इस तरीके से आपके अंदर रहते हैं, जो ये नेमाटोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो पहले अंदर ऐसे कॉइल के रूप में रहता है। जैसे इसको लगे कि कोई जंतु सामने आ रहा है तो ये तुरंत उसको बाहर की ओर निकाल देता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम लासो के नाम से जानते हैं, ये मदद करता है ताकि ये वाला भाग इसका बाहर आ जाए। और जैसे ही कोई भी जंतु बाहर आएगा ये तुरंत कुछ इस प्रकार से एक्टिव हो जाते हैं। आप इस इमेज को एकदम ध्यान से देखिए, देखिए इनके टेंटिकल्स पहले बाहर है और ये मछली किस प्रकार से अंदर जा रही है, ये इसको पकड़ ले रहे हैं और पकड़ने के बाद उसको अपने बॉडी के अंदर खींच ले रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से वो अपनी ओर उसको खींच ले रहा है। फिर से एक बार देखिएगा किस प्रकार से मछली जो है वो जा रही है और उसको ट्रैप कर ले रहा है। ठीक है, पहले ये अपने दंश कोशिकाओं को ऐसे ही बढ़ाते हैं, मछली को ऐसे पकड़िए, पकड़ने के बाद उसको अपने अंदर की ओर खींच लिए। ये जो मैकेनिज्म है ये किसकी मदद से था, अभी जो मैंने आपको दिखाया वो इसकी मदद से था। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसकी वजह से ही वो मैकेनिज्म इसका पॉसिबल है। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये सी एनिमोन है। सी एनिमोन ऐसे ही दंश कोशिका के द्वारा अपने शिकार को अपनी ओर ऐसे ही खींच लेता है और खींचने के बाद उसको खा जाएगा। आप देख पा रहे हैं उसको वो अंदर लेके जा रहा है अपने बॉडी में और उसको पूरा अंदर वो सब वापस से कलेक्ट हो जाते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से इनका मैकेनिज्म जो है वो होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जेलीफिश की। जेलीफिश आपको कैसे दिखती है, किस प्रकार से दिखती है,
ये आप देख सकते हैं जेलीफिश कुछ इस प्रकार से जो है पानी में तैरती रहती है लगातार। और जेलीफिश को भी के पास भी नेमाटोसिस्ट जो है पाया जा रहा है, जो उसका बिल्कुल पीछे एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो उसका क्या है, एक दंश कोशिका वाला भाग है, ये वाले भाग से ये ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा आपका सी एनिमोन, सोलेंट्रेटा संघ से बिलोंग कर रहा है, और ये रहा आपका जेलीफिश, ये भी सोलेंट्रेटा संघ से बिलोंग करता है। अब मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको एक बात ये बताई कि इनके पास दंश कोशिका पाई जाती है जिसे हम नेमाटोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन इन सबके एग्जाम्पल है। ये रहा आपका सी एनिमोन, ये इस तरीके से उसको ट्रैप कर लेता है, और जेलीफिश भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अपने आगे वाले पार्ट में। अब हम लोग देख लेते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। कल मैंने ये दोनों चीजें आपको बता दी थी, हम प्लैटीहेलमिंथीज के बारे में समझेंगे। प्लैटीहेलमिंथीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका मतलब होता है ऐसे जंतु जिनका शरीर फीते की तरह चपटा होता है। ऐसा कौन दिखेगा? तो आपको प्लैटीहेलमिंथीज में आपको टीनिया सोलियम ऐसा दिखेगा जिसका शरीर फीते की तरह चपटा होता है। ये ज्यादातर परजीवी होते हैं, यानी कि दोस्तों जो टीनिया सोलियम होता है वो गंदी जमीन पर पाया जाता है, सुअर उसको खाएगा, उस मिट्टी को, उस मिट्टी से टीनिया सोलियम सुअर के पेट में जाएगा। अगर हमने सुअर को अच्छे से नहीं पकाया और हम सुअर खा गए तो वो टीनिया सोलियम हमारे भी शरीर में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है वो पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब यही हुआ कि कोई भी जंतु अगर किसी जीवित व्यक्ति पे बैठ करके अपना न्यूट्रिशन खींच रहा है तो वो पैरासाइट हुआ। ठीक है, इसके पास सकर्स होते हैं, इसके पास चूसक जो है वो पाए जाते हैं। इनके पास ज्वाला कोशिका यानी कि फ्लेम सेल भी मौजूद होती है। याद रखेंगे इनके पास क्या होता है, फ्लेम सेल भी मौजूद होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये उभयलिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट या बायोसेक्सुअल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, जिसका मतलब हो गया कि मेल और फीमेल बॉडी एक ही शरीर में पाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? इसका एग्जाम्पल हो जाता है प्लानेरिया, लिवर फ्लूक और टेप वॉर्म। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से दिखता है, ये रहा आपका फ्लूक, ये रहा आपका टेप वॉर्म। ठीक है, ये टीनिया सोलियम बिल्कुल फीते जैसा, प्लानेरिया कुछ ऐसा दिखता है। टेप वॉर्म जो फीते जैसा होता है दोस्तों, यही हमारे पेट में जाता है और हम जितना भी खाना खाते हैं वो हमें ना लग करके इसे लगता है। यही वो जंतु है जो सुअर में भी पाया जाता है, सुअर गंदी मिट्टी खा लेता है तो उसमें ये जा करके रहता है। इसके पास दोस्तों ये जो संरचना है, इसकी मदद से ये हमारे आंत में जा करके चिपक जाता है और अपना भरपूर जो है न्यूट्रिशन को खींचता रहता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखनी है, इसके पास ज्वाला कोशिका होती है उत्सर्जन के लिए। ये आपको परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका नाम ज्वाला कोशिका ही क्यों है? क्योंकि इनमें जो कोशिकाएं उत्सर्जन में मदद करती हैं वो बिल्कुल ज्वाला जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एस्केल्मेंथीज की। एस्केल्मेंथीज में क्या होता है? एस्केल्मेंथीज आल्सो कॉल्ड एज नेमेटोड, ये नेमेटोड के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर ये राउंड वॉर्म के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके शरीर पे क्यूटकिल की एक आवरण पाई जाती है। क्यूटकिल एक मजबूत परत होती है दोस्तों, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन उनको मिलता है। इनके पास श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, यानी कि इनके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर में या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, दोनों में से एक चीज पाई जाएगी। एग्जाम्पल में इसके आता है दोस्तों एस्केरिस, फाइलेरिया और थ्रेड वॉर्म। ये तीन चार चीजें जो है एस्केल्मेंथीज का एग्जाम्पल में आ जाती है। अब आप देखिए दोस्तों, जो आपका एस्केरीज है वो आपको किस प्रकार से दिखेगा, तो आप देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, और इसे हम इसी प्रकार से देखते हैं। जितने भी राउंड वॉर्म होते हैं ज्यादातर कुछ ऐसे ही नजर आएंगे आपको। ये एक आपको बहुत ही अच्छा सा व्यू जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, नेमाटोड्स का के संघ का ही जंतु है जिसे हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, ये भी आपका एक स्ट्रक्चर है जिसे हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। ये आपने ज्यादातर फसलों में देखा होगा, फसलों को बहुत तेजी से इफेक्ट करता है ये। ठीक है, तो ये था आपका एस्केरिस, और ये आ जाते हैं आपके फसलों में पाए जाने वाले ही राउंड वॉर्म के ही जाति का एक जंतु। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे दूसरे आगे दूसरे फाइलम में आते हैं, एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है दोस्तों, एनिलिडा संघ में जो भी जंतु आएंगे उनके शरीर पे वापस से क्यूटकिल की एक मजबूत परत पाई जाती है। इनका शरीर बॉडी आपको ऐसा लगेगा ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी ऐसा लगेगा कि एक पारदर्शी ट्यूब के अंदर एक ट्यूब डाल दी गई, वैसा इनका शरीर होता है।
इनके शरीर में नेफ्रिडिया उत्सर्जन अंग के तौर पे मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल में इसका आ जाता है अर्थवॉर्म, लीच और नेरीज, तीन इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं नेरीज कुछ कैसा दिखता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का नेरीज आपको दिख जाता है। मैं इसका इमेज और भी जूम करना चाहूंगी, शायद आपको दिख जाए। ओके, दिखाते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये देख सक रहे हैं आप ये जो नेरीज है ये किस प्रकार से ट्यूब विद इन ट्यूब जैसा नजर आ रहा है, और लीच कैसा नजर आ रहा है वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। जो अर्थवॉर्म होता है दोस्तों वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल अर्थवॉर्म आपको कैसा दिखता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वापस से ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको अर्थवॉर्म कैसा दिखता है। ये सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सभी दोस्तों आपके एनिलिडा संघ से बिलोंग करते हैं। नेरीज को अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर एक और पतली सी ट्यूब डाल दी गई है। ये भी एक आपका जंतु ही है। ठीक है, इसका आप एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपको दिखता है, इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, मैकेनिज्म क्या कह सकते हैं, ऐसे ही आपको ये घूमता हुआ भी नजर आएगा। आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ट्यूब विद इन ट्यूब लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब रखी गई है। ये क्या है, नेरीज है। और ये किससे बिलोंग करता है तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि ये आपके एनिलिडा संघ से बिलोंग करता है। इसके पास जो उत्सर्जन अंग होगा दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे नेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे आपके पार्ट में। अर्थवॉर्म को आप जानते हैं केंचुआ किसान का दोस्त होता है, बहुत अच्छे से मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ऑर्थोपोडा में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, यदि आपसे कोई ऑर्थोपोडा कहता है तो आप एक लाइन में बात समझ जाएंगे कि जितने भी इंसेक्ट हैं उनके बारे में बात हो रही है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनके बारे में बात हो रही है। इनका शरीर होता है सेगमेंटेड यानी कि खंड युक्त होता है, टांगे जोड़ीदार होती हैं यानी जोड़ों में पाई जाती हैं। बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, शरीर में सिर, धड़ और उदर तीन भाग मौजूद होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय द काइटिन, इनके शरीर में काइटिन की एक आवरण पाई जाती है। अगर ये सांस लेते हैं तो इनके पास क्लोम होता है, ट्रैकिया होता है और बुक लंग्स पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग जीवों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। सांस लेने के लिए स्किन का भी यूज करते हैं। इनके पास कंपाउंड आई होती है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल में इसके आ जाएगा क्रैब, प्रॉन, क्रेफिश, स्कोलोपेंड्रा, एंट, बटरफ्लाई, मॉस्किटो और स्कॉर्पियन, ये सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं। क्रैब केकड़ा को बोलते हैं, प्रॉन झींगा मछली को बोलते हैं, क्रेफिश एक नॉर्मल फिश है, स्कोलोपेंड्रा कन खजूरा को बोलते हैं, एंट यानी चींटी, बटरफ्लाई का मतलब आप जानते ही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉन कैसा दिखता है। देखिए ये जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ये प्रॉन है, ये ऐसा ही आपको नजर आता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा में दोस्तों दो तीन बातें आपको याद रखनी है कि इस संघ के कुछ जंतु ऐसे होते हैं यानी कि क्रेफिश जो होती है वो क्लोम से सांस लेती है, अगर बात करें कॉकरोच की तो वो ट्रैकिया से सांस लेता है। ठीक है, और उसके अलावा बुक लंग की बात करें तो बुक लंग स्कॉर्पियन के पास मौजूद होता है जिससे वो सांस लेने का काम करता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, इसमें एक बात और आपको मैंने बताई थी क्या, ऑर्थोपोडा संघ के जो भी जंतु होते हैं वो स्किन के द्वारा भी सांस लेते हैं। ठीक है, आ जाते हैं दोस्तों मोलस्का संघ में। मोलस्का में आपका क्या होता है, मोलस्का में याद रखेंगे कि ये इसमें वो सारे जंतु आ जाएंगे जिनका शरीर बहुत मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्शियम, इनका शरीर कैल्शियम से ढका हुआ होता है। दीज मेक शेल, ये क्या करते हैं, एक खोल बनाते हैं, एक आवरण बनाते हैं। कुछ में कवच का अभाव भी होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कवच नहीं पाया जाता, जैसे कि ऑक्टोपस। चलने के लिए दोस्तों इनके पास मस्कुलर फीट होता है यानी कि पेशीय युक्त पैर होता है जिसके द्वारा ये चलते हैं। बात समझ में आई। इनका ब्लड प्राय कलरलेस होता है, मोस्टली इनका ब्लड क्या होता है, बिना कलर के होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन और ब्लू ब्लड पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पास ब्लू ब्लड निकलता है यानी कि नीला रंग का जो है खून उसका होता है, उसके पास नीले खून की वजह है हीमोसाइनिन पिगमेंट, हीमोसाइनिन नाम का एक वर्डक होता है जिसकी वजह से इनका खून नीला होता है। रिस्पायर करेंगे गिल्स के द्वारा और एयर सैक के द्वारा। कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब अब तक आप समझ गए होंगे, जिनके शरीर में या तो मेल या तो फीमेल एक ही चीज पाई जाएगी। दोस्तों ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, पहला सबसे बड़ा संघ यदि आपसे कोई पूछता है तो आपको याद रखना है वो क्या हो गया, आपका ऑर्थोपोडा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल में आते हैं दोस्तों, काइटोन, ऑक्टोपस, यूनियो, सीपिया और पर्ल ऑयस्टर, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। लैंड स्नेक, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें से सीपिया और ऑक्टोपस ऐसे जंतु होते हैं, एक और जंतु जो होता है जिसे हम स्क्विड के नाम से जानते हैं,
ये ऐसे जंतु होते हैं जिनके पास स्याही ग्रंथि होती है। उस स्याही ग्रंथि का यूज ये कैसे करते हैं, उस स्याही ग्रंथि का यूज ये करते हैं जब भी इनको कोई भी पानी में जाने वाले जीव को पकड़ना होता है। जैसे कि आप ये रिकॉर्डिंग देखिए, बहुत ही शांति से देखिएगा किस प्रकार से ये स्याही निकाल दिया, पानी में फैला दिया, ठीक है। उनके हाथ में ऑक्टोपस है और वो स्याही निकालने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो स्याही निकाल रहा है और उस स्याही के द्वारा क्या होगा, वो आराम से अपना जो भी पानी में शिकार है उसको पकड़ लेता है। शिकारी को ये नजर नहीं आता कि वो किस ओर जा रहा है, जो भी जिसको भी ये खाना चाहता है, और ये यही स्याही ग्रंथि ये रिलीज करता है और पूरे पानी का रंग जो है वो परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसे उस जंतु को नहीं समझ में आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इमेज ऑक्टोपस में, दोस्तों ये खासियत पाई जाती है। ये भी आपका एक भारी ऑक्टोपस है, एक जेंट ऑक्टोपस है, उसके पास ये खासियत आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके पास क्या होती है, स्याही ग्रंथि। अब के बाद से आप याद रखेंगे स्याही ग्रंथि किसके पास थी, ऑक्टोपस के पास थी, ठीक है। ये क्या है याद रखेंगे, नेरीज है। किससे बिलोंग करते हैं, एनिलिडा से। एनिलिडा का सबसे खास बात क्या याद रखना है, इसके पास नेफ्रिडिया नाम का उत्सर्जन अंग पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में नेरीज, लीच, अर्थवर्म ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके बेसिकली इनके शरीर पे क्यूटकिल की एक आवरण जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये किस बिलोंग करेगा, किस फाइलम से, तो आप बोलेंगे राउंड वर्म है, ये आपके निमेटोडा से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जेलीफिश में, जेलीफिश सोलेनट्रिटा संघ से बिलोंग करता है। अगर इसकी बात करें तो ये भी आपके राउंड वर्म से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सी एनीमोन में, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये नेमाटोसिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, इनकी दंश कोशिका किस प्रकार से, दंश कोशिका की मदद से मछली को अपने अंदर ट्रैप कर ले रहे हैं और पकड़ के खा जा रहे हैं। ये इनका वर्किंग मैकेनिज्म है कि ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। अब इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न है, बताइएगा दंश कोशिका कौन से संघ के जंतुओं के पास होती है, एक गुहा वाला जंतु कौन से फाइलम में आता है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि जो भी आपके सोलेनट्रेट्स होते हैं उन्हें हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे मेरा ये है कि राउंड वर्म जो निमेटोड्स जिनको हम कहते हैं उसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जेलीफिश कौन से फाइलम से बिलोंग करेगी। पांचवा क्वेश्चन मेरा ये है कि एनिलिडा में आने वाले एग्जाम्पल के नाम बताइए। एक आपको सामने दिख रहा है, इसके साथ और भी एग्जाम्पल का नाम आप कमेंट सेक्शन में पॉज करके दे दीजिएगा। आप मुझे बताएंगे कि स्याही ग्रंथि किसके पास होती है, ठीक है, कौन कौन से जंतु होते हैं जिनके पास स्याही ग्रंथि मौजूद होती है। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्लास में बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।